कथारूपी सत्संग रूपी गंगा में स्नान करना, उसमें क्या फल है? बोले गोता लगाते ही कहते काक होई पिक। आप लोगों ने सब कौवा देखे हो? कौन कौन कौवा देखा आप लोगों? आप बताओ कौवा की रंग कैसे है? काला। अब कोयले का रंग कैसे है? हाँ देखो दोनों का रंग तो काला है, लेकिन कौवा अगर बैठ कर यहाँ पर का 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 करने लग जाए ना, भले कम से का का कर रहा है कान दर्द हो गया, लेकिन बसंत ऋतु में जब कोयल जब कूकती है कुहू कुहू कितने मीठी आवाज है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कथा रूपी गंगा में स्नान करते ही ये कौवा बन जाता है कोयल। बोले मतलब क्या ये कौवा? मतलब क्या बोले संसार की बात है, ये कौवा की बात है। किसी व्यक्ति को पास में बैठो कैसे हो? बोले बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई, पता नहीं जब से घर में बहू आई तब से घर में तो इतने अशांति, अभी बेटा का नौकरी लगी नहीं, अभी काम में पति का कुछ गड़बड़ी है और सास को साथ में इतने झड़ाई झगड़ा किया करे। आप किसी व्यक्ति को पास में बैठ जाओ ना, आप दुनिया की कथा सुनते 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 आप देखना आपकी सर दर्द हो जाएगी। लेकिन जब हम ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, भगवान की प्यारी प्यारी ठाकुर जी की मीठी मीठी बात सुना, बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा भगवान की कथा, बड़ी मीठी कथा है। इसलिए श्री पहले ये नियम होता था 50 को बाद में सबके सब घर छोड़ करके वृंदावन जाते थे, जिस काम के लिए ठाकुर जी ये मानव शरीर दिया है वो काम को करते थे। इसलिए दिए बोले आए थे हरि भजन को होटल में लगे कपास, भगवान की भक्ति करने के लिए आए थे, लेकिन आकर के संसार की माया में हमने फंस गए। इसलिए श्री परजन बाबा एक दिन अपना 5 बेटों को बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग बड़े हो गए हो, अभी शादीशुदा हो गई, घर में बहुइयां आ गई और तुम लोग सब काम धाम में ठीक ठाक हो, मैं तह चाहता हूँ हम दोनों पति पत्नी हम जाकर के तीर्थ में सत्संग करें, भगवान की भक्ति करके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दे। बोले पिताजी कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ बड़े बेटे को राज्याभिषेक करा दे। बड़ा बेटा ने कहा देखो पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का गुण मेरे में नहीं, राजा बनने का गुण तो मझला बेटा नंद में। सब लोग खुश हो गए, उन्होंने मझला बेटा नंद को राज्याभिषेक करा के पिताजी चले गए तीर्थ यात्रा में भक्ति करने के लिए। अभी 4 बच्चों को था संतान है, लेकिन जो मझला बेचा नंद है उसकी घर में कोई संतान नहीं, बड़े दुखी है। एक घर में संतान कैसे जन्म हो, भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा? इन्होंने आशीश्वर महादेव को पूजा की कि तो आकाशवाणी हुई, हे महाराज नंद आप चिंता मत करो, आपकी ऐसे एक बेटा जन्म लेगा जो बेटा जन्म लेने पर सारा दुनिया में तुम्हारी प्रशंसा होगी, सारा दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी, इसलिए आप चिंता मत करो। अभी नंद यशोदा ने हर व्रत कर चुके थे, एक दिन दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं अभी तक हम दोनों ने ये पुत्र का एकादशी व्रत नहीं रखे, हम दोनों पुत्र का एकादशी व्रत रखते हैं, दोनों निर्जला व्रत रखे पुत्र का एकादशी। जब उन्होंने शयन किए ब्रह्म मुहूर्त में दोनों एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न है कहते हैं ये सही हो जाता है। बोले क्या स्वप्न देखे? बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल अस्तवांक स्थले पयोधार स्फोट मसो क्रीड़ांगमयम लोक्यते। अभी स्वप्न देख करके दोनों का स्वप्न टूट गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। जसोदा बोली मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा, पहले आप बता फिर मैं बताऊंगी। नंद बाबा बोले मैंने देखा आकाश में दो चमकते हुए दो बालक, सामने श्याम रंग के एक लड़का है, पीछे से एक सुंदरी लड़की एकदम गौर भरने की जैसे आकाश में बिजली चमकती है, बड़ी सुंदर एक प्यारी लड़की देखा। और हमने देखा ये दो बालक मेरे गर्भ में प्रवेश किए,
प्रवेश करते हुए फिर तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किए और देखा तेरे गोद में एक सुंदर बालक और स्तन पान करते समय दोनों धार से दूध बह रहा था और दूध से इसका कपड़ा भीग रहा था। मेरे तो स्वप्न नहीं लगा, सचमुच से तेरे गोद में जसोदा बोले मेरी स्वप्न की बात सुनो। बोले बोलो। बोले मैं भी स्वप्न देखा है कि बालक मेरे पीछे पीछे माँ माँ करते करते आ रहा है और कपड़े पकड़ करके बोले भैया मेरे को गोद में उठा ले, भैया मेरे को दूध पिला ले। मचल रहा था, मेरे को लगा सचमुच से कोई के बालक है। और उसी रात कोई मैया जसोदा ने गर्भधारण की, ब्रज में हला हो गया है, श्री नंद के लाला होने वाला है। बोले श्री नंद के लाला की, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अभी मैया ब्रज में जितने गोपियां थी 6 महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदरी बना कर गए थे और जितने पुरुष लोग थे बगलबंदी धोती पगड़ी बना कर गए थे। बोले नंद के लाला होगा तो